वेलकम स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं अब वो लिखने का तरीका है कैसे लिखोगे कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होंगी उस पावर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यही है डेफिनेशन में कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इन एनद वर्ड्स एनी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी कोई भी जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड फॉर दिस वी ओनली नीड थ्री बेस क्वांटिटीज डेट इज मास लेंथ एंड टाइम तो टोटल हमारे पास बेस क्वांटिटीज कितनी है सेवन है ना टोटल बेस क्वांटिटीज हमारे पास सेवन है लेकिन हमें उन सब की जरूरत नहीं पड़ती हम सिर्फ मास लेंथ और टाइम ये जो बेस क्वांटिटीज हैं ये सफिशेंट है इनकी हेल्प से ही हम ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इट्स डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जैसे मान लीजिए ए है इफ ए इज एनी फिजिकल क्वांटिटी देन द डायमेंशन ऑफ ए आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन दिस वे ए इन बिटवीन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसको अगर हमें डायमेंशनल डाइमेंशंस के आधार पर अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ए को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे ठीक है ना तो इस तरीके से मास लेंथ और टाइम है तो इसके लिए अपन जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल एम कैपिटल एल और कैपिटल टी यूज़ करेंगे और इनको भी हम एनक्लोज इस तरीके ब्रैकेट्स में ही रखेंगे जैसे मास को एम लेंथ को इस तरीके से टाइम को इस तरीके से मतलब मोस्टली जितने भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं हम इन तीन के बेसिस पे हम उनको निकाल सकते हैं उनके ठीक है ना इक्वेशंस इन तीन के आधार पे बन जाएगी लगभग फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स का एक एग्जांपल लेके चले फोर्स क्या है ड्राइव्ड यूनिट है फोर्स इज a ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी अब इसको हमें बेस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अब आप पूछोगे सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं तो यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं यह कुछ इस तरीके से मैंने आपको समझाया था वहां पर कि द क्वांटिटीज which कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल quantities, ठीक है ना जिन क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कर सकें मेजर कर सकें वो क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और ये फर्दर दो कैटेगरीज में आती हैं स्केलर और वेक्टर मैं ज़रा डिटेल में नहीं क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी ड्राइवड फिजिकल क्वान्टिटी को हम रिप्रजेंट uh, कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी तो यहाँ पे हम फोर्स का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो फोर्स का फॉमूला क्या होता है मास इंट्रेसोलेशन तो मास और एसेलेसन क्या होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे मास एंड अगेन वेलोसिटी वट डू मीन वेलोसिटी तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म ऑल्सो मास एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर एंड वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन इन दिस वे ऑल्सो मास इन टू लेंथ इन टू टाइम रेस टू पावर माइनस टू तो अब देखिए यहां पर इनकी जो पावर आई है मास की पावर कितनी वन लेंथ की पावर कितनी है वन टाइम की पावर कितनी है माइनस टू तो यह सब क्या है डायमेंशंस ऑफ फोर्स तो दीज आर नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स ठीक है ना जो इनकी पावर आती है so, तो यही मैंने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड टू रिप्रेजेंट द गि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी तो उनकी पावर को हम इसमें उठाते हैं ठीक है ना तो अब फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन डायमेंशन इन मास मास के अलॉन्ग उसकी डायमेंशन वन है वन डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन इन टाइम वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे ऑल्सो And again, in mathematical terms, we can write it in this way. This is the dimensional formula, or we can say dimensional equation. That is m, l, t h to power minus t, and the whole thing is put under square brackets. ठीक है तो m की power one है, तो one को हम रिप्रेजेंट, one को हम जने लिखते नहीं हैं, ठीक है ना? तो m की power one, l की power one और t की power minus two, तो इस तरीके से हमने इसको तो अब देखिए हमने फोर्स जो कि एक ड्राइव यूनिट थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ दीज एम एल टी तो एम एल टी क्या है मास लेंथ टाइम ये क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है? है तो फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में उसको हमने रिप्रेजेंट uh, कर दिया ठीक है ना तो यही होती है डायमेंशनल इक्वेश नेक्स्ट सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट करेंट टेम्परेचर टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज द करंट आई एंड टेम्परेचर के आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूजिंग दैम द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज आर फाउंड तो करंट और इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं तो so, एक डेफिनेशन आती है डायमेंशनल इक्वेशन तो क्या समझते हो आप डायमेंशनल इक्वेश के बारे में तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द ड्राइव यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ठीक है ना तो एक रिलेशन है किसके बीच में ड्राइव यूनिट्स के बीच में और फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में ड्राइव यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन है ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस और यू कैन से इक्वेटिंग ए फंडामेंटल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला